4 दिसंबर से सावनेर तहसील के साथ साथ राज्य की सभी आंगनवाड़ी सेविका व मदतनीस अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, जिसके कारण हमारे ग्रामीण भागों के छोटे बच्चों का शैक्षणिक व शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार ने उनकी मांगों को समझकर हल निकालना चाहिए, जिसके कारण हड़ताल जल्दी समाप्त हो और ग्रामीण क्षेत्रों के अबोध बालकों के शैक्षणिक तथा शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में सावनेर के तहसीलदार मलिक वीरानी के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पंचायत समिति सावनेर के उपसभापति राहुल तिवारी के नेतृत्व में निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर सावल मिंडा के सरपंच अमूल केनी, ब्रह्मपुरी के सरपंच होमेश्वर पानपत्ते, उपसरपंच राहुल भुसारी आदि सहित अन्य सरपंच उपसरपंच उपस्थित थे। वही पंचायत समिति सावनेर के प्रांगण में जारी आंगनवाड़ी सेविकाओं के आंदोलन को पंचायत समिति सावनेर के सभापति अरुणा ताई शिंदे, उपसभापति राहुल तिवारी ने भेंट देकर उनका उत्साहवर्धन कर आंगनवाड़ी सेविकाओं की जायज मांगे राज्य सरकार ने शीघ्रता से मंजूर करने की अपील भी की। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य गोविंदा ठाकरे, गणेश काकड़े, सरपंच अशोक डौरे प्रमुखता से उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।